News 13 जय हिंद। जाने स्टूडेंट को रिलीज करो, जाने स्टूडेंट को रिलीज करो, दिल्ली पुलिस जामे खाली करो, दिल्ली पुलिस जामे खाली करो। अरे जामिया में खून बहा है, कौन है इसका जिम्मेदार? जामिया में खून बहा है, कौन है इसका जिम्मेदार? दिल्ली पुलिस जामिया खाली करो, दिल्ली पुलिस जामिया खाली करो। मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट को रिहा करो। जो लोग दिल्ली में सो रहे हैं वो यहाँ आए हेडक्वार्टर। आप लोग रजाई में सोगे तो काम नहीं चलेगा, तो जो लोग दिल्ली में सो रहे हैं वो लोग यहाँ आए। हम सब लोग यहीं पुलिस हेडक्वार्टर पे डटे हुए, हम यहाँ शहीद हो जाएंगे लेकिन यहाँ से भागेंगे नहीं। तो मेरे साथियों से मेरा निवेदन है कि वो पहुँचना स्टार्ट करें, पूरे देश से जो लोग साथी हमारे हैं वो लोग पहुँचना स्टार्ट करें। हम दिल्ली में आज भी डटे और कल भी डटे, जब तक ये बिल वापस नहीं होगा हम लोग घर नहीं लौटेंगे, हम अपने मुल्क को टूटने नहीं देंगे। तो मैं साथियों से निवेदन करूंगा कि जहां तक मैसेज पहुंच रहा वो लोग जो दिल्ली के हैं वो पहुंचे अभी, और जो और साथी वो चलें और कल दिल्ली पहुंचे। कल दिल्ली में बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे हम लोग 4 बजे इंडिया गेट पर। अभी भी देखिए हजारों की तादाद में लोग यहाँ हैं। करो साथियों से अपील कि आए निकल के घर से बाहर। वो माइक का है, माइक उसमें बोलो, माइक में बोलो। देश को बचाने के लिए और हमारे मासूम स्टूडेंटों को जो मारा गया है उनके उनकी हौसला अफजाई करने के लिए, उनका साथ देने के लिए जो लोग अपने घरों पर बैठे हैं और लिहाज में और कंबलों में और हम सब हेडक्वार्टर के सामने खड़े हैं और डटे हुए हैं। आप सबको यहाँ आना होगा, अपनी एकता को दिखाना होगा कि हम लोग किसी से डरने वाले नहीं है। निकले घर से बाहर, ये मुल्क को बचाने की लड़ाई है, बार बार नहीं। हमारे लोगों को, हमारे मुस्लिम भाइयों को, हमारे मुसलमान भाइयों को जिस तरीके से मारा गया, जिस तरीके से आज बहुत ज्यादा लोग क्रिटिकल है, हॉस्पिटलों में एडमिट है, तो आज ये समय है आप घर में ना रहे, हम लोग से बाहर निकले, बाहर आए दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर आए। आज यहाँ पूरी जनता है, तमाम बहुजन समाज इकट्ठा हुआ है, आप यहाँ पे आए और हमारा समर्थन करें। हम इसलिए लड़ रहे हैं कि ये भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, और रात का 1 बजा है, पूरा मुल्क जाग रहा है। जामिया में बहनों को पीटा गया, लेकिन मोदी जी सो रहे हैं और यहाँ का कमिश्नर सो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ बदल दो, ताज बदल दो।
संविधान का आर्टिकल 14 है ना, इसको खत्म किया जा रहा है। विधि के समक्ष सबको समता है, बराबरी है। भारत के सभी व्यक्तियों विधि अर्थात कानून के समक्ष समानता का सभी कानून के समान अधिकार है और धर्म मूलभूत जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यह आर्टिकल 14 और 15 कहता सरकार को समझ नहीं आ रहा, सरकार जागे। ये क्या लाए, ये उड़ने के लिए लाए क्या? ये देखो चादर भी साथ लाए। सर रविदास मंदिर का जो हमारा केस हुआ था, मैं तो कलकाबाद उसी तो कलकाबाद से हूँ जहाँ रविदास जी का मंदिर तोड़ा गया था बिल्कुल सामने, और आपके साथ हमने काम किया था जब छान में बच्चे हमारे बंद हुए थे। और सर हम आए हैं और हम बता देना चाहते हैं इस कौम ने सर ने झुकाया, अपनी गर्दने कटाई है और हम ये लेके रहेंगे, कोई दुनिया की ताकत हमें नहीं रोक सकती है। आमीन। जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। हम आपके साथ हैं, हम सब लोग आपके साथ हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। लड़के लेंगे, अधिकार छीन के लेंगे, बिल्कुल लेंगे सर। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। मुल्क बदल रहा है, हम लोग एकजुट हो रहे हैं, सरकार को दुख हो रहा है। सरकार तरह तरह के हथकंडे बना के तोड़ना चाहती है, नहीं टूटेंगे हम लोग, एक हैं, हम लोग एक हैं और अपने अधिकार छीन के लेंगे। ये मेरी मिसेज भी है साथ में, ये देखिए मेरी मिसेज है। सर हमारे बच्चे बच्चा आके लड़ेगा, ये मोदी है, ये आरएसएस के तो गुंडे है ना, देश के जो गद्दार है ये, वो सावरकर ने 6-6 बार माफी मांगी थी अंग्रेजों से। हम लड़ेंगे, हमारे बच्चे लड़ेंगे, हमारी नस्लें लड़ेंगी इनके साथ, लड़ेंगे हम, जीतेंगे, हर हाल में लड़ेंगे, जो जीतेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे 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 जीतेंगे। सर्दी बढ़ रही है लेकिन लोगों के होश से नहीं टूट रहे। देखो ये प्रेम है मुल्क के लोगों में, हम इसके साथ खड़े हैं। हम बाबा साहब के ईमानदार बच्चे हैं, आपको निराश नहीं करेंगे, इस संविधान को बचाएंगे। जो देख रहे हैं ये बिजनौर वाले, ये सहारनपुर वाले, लड़ेंगे, शहादत दे देंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। हम इसीलिए मैदान में आए कि सड़क पे लड़ सके, आगे घर बैठे नहीं आए, लड़ेंगे और जीतेंगे। कुर्बानी हो सकती है, शहादत हो सकती है, झुकेंगे नहीं। सावरकर को नहीं, बाबा साहब को मांगते। कमिश्नर मोदी के यहाँ सो रहा है और कमिश्नर को जगाने के लिए हम लोग यहाँ। मोदी हमसे डरता है, हमसे
अम्बेडकर जी का संविधान बचाना है, आरएसएस का संविधान पढ़ के आए ये वाला जिंदाबाद है। ये भैया कह रहा संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद था, पूरी लड़ाई लड़ेंगे आखिरी तक। आरएसएस का संविधान पढ़ के आए पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं, आरएसएस का संविधान पढ़े ना, हमारा संविधान पढ़ेंगे ना, तब उनको समझ में आए। मैं सहमत हूँ, देखो नारे देखिए क्या क्या आ रहे हैं। ये सब सोचते हैं कि मजहब के नाम पे हमको डराएंगे, धमकाएंगे, लड़ाएंगे, मगर इंशाल्लाह इस देश का हर इंसान इस काबिल है, इस देश को समझता है, इस सरकार की चाल को समझता है। अभी नहीं लड़े तो कभी नहीं, हमें लड़ना पड़ेगा, ये मुल्क हमारा है, इसको बचाना पड़ेगा। आप लोग निकलिए घर से बाहर आइए, जो लोग दिल्ली के हैं वो हेडक्वार्टर आइए, और जो लोग दिल्ली से बाहर गए वो कल दिल्ली आइए। आंदोलन कल ही शुरू होगा, तब तक खत्म नहीं होगा जब तक ये बिल वापस नहीं होगा। ये लाखों सरकारें आई और चली गई, ना जाने कितनी पिछले 70 सालों में कितनी सरकारें बदली है, मगर मजहब के नाम पर बात नहीं किया गया, बात कोशिश हुई है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मुल्क का इंतजारा। सर्दी नहीं लग रही है, के नाम पर कभी नहीं बताओ, कोई चपला कभी बताएंगे, बहने भी है यहाँ, बहने भी है, लड़ रही है। कनिष्क, ये कनिष्क है हमारे साथ, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस जानिया छोड़ो, जानिया छोड़ो, अल्हम्दुलिल्लाह एक पास नारे तकबीर के साथ ये। अरे हमारा चलो आज सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मैं कनिष्क सिंह, दिल्ली पुलिस महासचिव, और आज हम जो है यहाँ पे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स में सब लोग हैं, और मैं दिल्ली पुलिस से बोलना चाहता हूँ कि ये दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर है, और ये चंद्रशेखर भाई पुलिस ऑफिसर्स भी है, और यहाँ पे जो है जो एक ही लीडर जो पूरी सड़क पे पूरी रोड पे जो एक ही लीडर दिख रहा है वो जो है चंद्रशेखर बेटियां बेटे, और आज आप क्या चाहते होंगे मनुवादी सरकार, आपके बच्चों को कोई आकर मारे इस तरीके से कॉलेज में घुसकर, कभी नहीं चाहते, लेकिन आपने 6 बजे से हमारा शुरू हुआ था, अभी आप सोचेंगे आप जैसी मजबूरी 1:30 बज रहा है, फॉलो करते रहे, और पुलिस तो कोई मंगल पांडे होता, उन्होंने जामिया में किया ना, कोई चंद्रशेखर आजाद होता गोली, और आप में से जरूर कोई ना कोई मंगल पांडे भी होगा दिल्ली पुलिस में, हमारे जो कोई चंद्रशेखर आजाद भी होगा और कोई भगत सिंह भी होगा, नहीं रहे आपने वर्दी पहली थी, और अगर आपने वो वर्दी यही सोची पहनी है दिल्ली पुलिस वर्दी का जो है मान रखिए, कोशिश कर रही है, और फिर जो सही है वो कीजिए, परेशान करने की और बात नहीं आया, पुण्य नहीं आया, मुझे पता आपने मजबूरी के तहत फॉलो किया, मैं आपको शेखर भाई को देना वक्त है कि आप सही डिसीजन लें, लोगों से थैंक यू। और 17 तारीख को हम लोग जो है एक मुल्क में सब अच्छा नहीं है, अपने घर में लौटो, वहाँ भी तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, अपने घर में लौटो, बहुजनों घरों में वहाँ लौटो जहाँ हक की बात कर सको। आपके साथ खड़े ये खड़े हैं, हिंदू देश हमारा है,
ये मुल्क हमारा और ये इसे हम ही चलाएंगे, और जो लोग ये चाहते हैं उस मुल्क को तोड़ देंगे गलत फहमी में। जब जब युवा खड़ा हुआ है निजाम बदल गए। मनीष कहाँ हूँ लो चलाओ जरा। मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूँ, रजाइयां गद्दे छोड़कर अपने हक के लिए आईटीओ पर आए। ये सरकार इस देश काफी जुल्म ढा रही है, कोई से भी कानून, कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी ले आती है। इस मजलूम जनता इस सरकार ने परेशान कर रखा है, और दिल्ली की जनता को चाहिए सर्दी का गर्मी का कुछ भी ख्याल ना करके रजाई गद्दे छोड़कर यहाँ अपने हक के लिए आए, क्योंकि ये गवर्नमेंट बनाने की कगार पे खड़ी नहीं है, इसकी आइडियल पर चल रही है। इंडिया को बनाना चाहते हैं, इंडिया और ये स्थान को हिंदुस्तान के तरीके से कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी और प्याज 150 रुपए किलो पर बिकाई थी। इनको माइक वाले माइक है ये। हमारा मन को लिटा लो ना, हमारा मन लिटा दो, इरादे का लिटाई दो।
की है, डाल के दो गोली थी। क्या है ये? ग्रीन टी ब्लैक टी नहीं पीता मैं। आज तो मैं यहाँ संघी का खून पीना है, पक्की खबर है। आप खुश हुए तो अच्छा है। आपके हर एक मूवमेंट में और आप हक के लिए ऊपर वाला काट देगा। जय भीम। समय ज्यादा हो रहा मुझे पता, साथ ही सो भी रहे, क्योंकि लड़ना पड़ेगा अपने मुल्क के लिए। ये क्योंकि कुछ नौजवान तो आज पेपर भी देके आए और पूरे दिन के जागे हैं, वो भी अभी जाग रहे हैं, तो लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। जय भीम आर्मी।